सरोकार। मुस्लिम पक्ष बोला जाएंगे हाई कोर्ट, कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस में आग लगी फोटो की पोस्ट। सीएम बोले आप जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के घर डिनर के लिए जा रहे थे। ट्रेन कोच जैसे 60 कंटेनर डिजाइन, शिफ्टिंग में लगते हैं 5 घंटे, 200 लोग। कोर्ट ने कहा दोनों ने किया भीड़ को उकसाने का काम, 21 सितंबर को सजा पर होगी सुनवाई। कहा बीज निगम के बीज फर्जी, वसूली विभाग है मापतौल डिवीजन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मालीन महंत दिग्विजय नाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मालीन अवेधनाथ की पावन स्मृति में चल रहे साप्ताहिक पुष्प तिथि समारोह का समापन अवसर पर सीएम योगी सम्मिलित होंगे। 3 बजे सीएम योगी मंदिर में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के समापन समारोह में भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि महंत दे की पुष्प स्मृति में यह साप्ताहिक कथा 7 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुरू की गई थी, जो आज हवन एवं भंडारे के साथ कथा की समापन होगी। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भाजपा के 7 मोर्चों के पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ भी बैठक करेंगे। बता दें कि दोपहर 2:30 बजे मिनट पर प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ बैठक करेंगे। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भाजपा के 7 मोर्चों के पदाधिकारी शामिल होंगे, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चों के साथ भी बैठक करेंगे। बता दें दोपहर 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ बैठक करेंगे। हरदोई में अपने बयान से सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का एक और विवादित पोस्ट सामने आया है, जिसमें विधायक ने गायों के लिए बनी गौशालाओं को उनकी कब्रगाह बताया है। इस पोस्ट पर विधायक ने आवारा पशुओं के लिए चलाए जा रही मुहिम की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गौशालाओं को गायों के लिए कब्रिस्तान बता डाला। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर बढ़ रही हिंसा को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस सतर्क हो गई है। कई इलाकों में भीड़ में बच्चा चोर के संदिग्धों में मारपीट किए जाने की घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अफवाह से बचने और सजग रहने की संदेश दिया है। साथ ही ऐसी संभावना मिलने पर पुलिस को सूचना करने की बात कही है। बच्चा चोरी के संबंध में कई अफवाहें फैल रही हैं। जनमानस से अनुरोध है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। अफवाह फैलाने वालों व कानून को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फरुखाबाद से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान से कुछ छोटे छोटे बिंदु के समान चमकीली रोशनी तेजी से निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। कई क्षेत्रों में आसमान में ऐसी चमकीली रोशनी के लोगों को देखने को मिली, जिसका वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं इसके बाद ये जलती सफेद लाइटें कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गई।
गाजियाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो एक युवक की बेरहमी से हो रही पिटाई का है। इस वीडियो में युवक अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन दबंग लगातार युवक की पिटाई कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दबंग सड़कों पर कार से हथियार और शराब लहराते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो, जिसमें पहले में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की पिटाई की जा रही है और दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति तेज रफ्तार से शराब पीते हुए कार चला रहा है। इनकी संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच पड़ताल की गई है, जिसमें ये तथ्य अभी तक सामने आए हैं कि यह व्यक्ति प्रदीप यादव नाम का व्यक्ति है, जो कि शाहपुर बमेटा का रहने वाला है और इसकी शिनाख्त कर ली गई है और अभियोग पंजीकृत करा के और इसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर ली गई है और दबिश दी जा रही है। जल्द ही इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 37 की बाईपास रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद कार चालक समेत कार में सवार उसका दोस्त हादसे में बुरी तरह झुलस गए। वहां आसपास मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला। इस घटना के बाद कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पता ये लगा गाड़ी का धुआं जब चल रही थी, तो धुआं देख के हम लोग आए दौड़ के, पूरी पब्लिक आई, तब तक गाड़ी पूरी तेज रफ्तार पकड़ थी चलने में। गाड़ी में कितने लोग थे? दो आदमी थे। कौन थे वो? गाड़ी वाले ही थे, और इसी कॉलोनी की गाड़ी है, चौधरी पेड़ी वाले की। कौन सी गाड़ी है? और डस्टर गाड़ी है, डस्टर। जो गाड़ी में बैठते, क्या किसी को चोट भी आई है? चोट नहीं, मामूली हाथ चले हैं और आईब्रो चले हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अपनी दुकान से 37 गया था, वहाँ बिरयानी खा के हम सराय से घूमते हुए आ रहे थे और बाईपास के 37 मोड़ पे हमें एकदम गर्म हवा आई। आगे से एसी चल रहा था और जैसे एसी चलाते वक्त मैं हमने साइड में लगाया, बॉनट खोल के देखने लगे तो एकदम लपट आई उसकी। और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, तो उसको भी लगी, मेरे को भी लगी। मैं जैसे कागज लेने वो भगा तो एकदम उसके भी हाथ के बाद जला, मेरे भी हाथ में लगी। मथुरा में कनकाली रोड स्थित पेंटालून शोरूम की बिल्डिंग को सदर तहसील की टीम ने सील कर दिया। आपको बता दें कि पेंटालून का शोरूम जिस बिल्डिंग में बना है, उस जमीन के ओनर पर स्टाम्प ड्यूटी कम देने का आरोप लगा है, जिसके बाद तहसील की टीम ने शोरूम को बंद कर जमीन पर सील लगा दी है। जो लैंड के ओनर है, उन पे स्टैम्प ड्यूटी का मुकदमा चला था, जिसमें उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम दे दी थी। उसके क्रम में तहसील को आरसी आई थी वसूली के लिए। तो पहले भी इनकी जो इस ज़मीन पर पेंटालून ये शोरूम बना हुआ है, इसको खुद किया गया था, जो इन्होंने खुद ही खोल दिया था। फिर उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए FIR भी कराई गई, क्योंकि 2 महीने के उपरांत भी इन्होंने अभी तक वो करीब 31 लाख की जो स्टैम्प ड्यूटी थे इन पर बनती है, वो पे नहीं करी है। उसी क्रम में आज दोबारा इसको खोल किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि आपको नोटिस थमा दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया। यदि आप मीडिया हैं, इनसे लीजिए, हमारे पास कब नोटिस आया है, कब रिसीव हुआ है? कोई रिसीविंग नहीं है। गलत बोल रहे हैं सर। यदि इनके पास, यदि हमारे पास नोटिस होता तो हम पहले इंतजाम कर लेते। ठीक। यूपी के हमीरपुर जिले में घर से लापता हुई लड़की का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट टीम और पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अभियोग की जांच जनपद हमीरपुर थाना कुरारा में दिनांक 9 सितंबर को थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की को एक युवक बैला फुसला कर ले गया है। उक्त के संबंध में थाने पर धारा 363 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की जांच के क्रम में दिनांक 11 सितंबर को उक्त महिला का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट और अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।